दोस्तों, ईगल दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी पक्षियों में से एक है, जो कि अफ्रीका और यूरेशिया के मूल निवासी है। हालांकि ये ईगल कई आवासों में रह सकते हैं। ये वो शिकारी पक्षी हैं जिसका खौफ सिर्फ आसमान पर ही नहीं बल्कि ज़मीन पर रहने वाले प्रत्येक जीवों पर दिखाई देता है। और जब भी ये आसमान पर उड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो इन्होंने पूरे आसमान पर ही कब्जा कर लिया है। इन ईगल के पास बड़ा शेर, तेज नज़र, लंबी चोंच और खतरनाक पंजे होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से दबोच लेते हैं। इनके घोंसले इतनी ऊंचाइयों पर बने होते हैं कि किसी भी इंसान का वहां तक पहुंच पाना नामुमकिन होता है। अगर बात करें इनके आहार की, तो इनके आहार में सभी प्रकार के मांस शामिल होते हैं, जिसे ये बड़े मज़े से खाना पसंद करते हैं। और अगर बात करें इनकी प्रजातियों की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 60 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ईगल का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सामान्य ईगल का वजन 9 से 10 किलोग्राम के बीच होता है और उसका आकार 28 से 40 इंच के बीच होता है। और अगर बात करें इसके पंखों की, तो इसके पंखों की लंबाई 5 से 8 फीट के बीच होती है। इस ईगल के आहार में मुख्य रूप से मछली और छोटे बड़े स्तनधारी जीव शामिल होते हैं, जिसमें चूहे, मेंढक, छिपकली और हिरण आदि जंगली जीव शामिल होते हैं। इस ईगल की पाचन क्षमता भी काफ़ी मजबूत होती है, जिसके कारण ये अपने शिकार की मजबूत हड्डियों और अन्य अंगों को पचाने की शक्ति रखते हैं, और इसी वजह से इन्हें एक अच्छा शिकारी माना जाता है। ये शिकारी अपने वजन का लगभग 5 से 10% तक भोजन खा जाते हैं, जिसके कारण इसे लगातार भोजन तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर बात करें इनके घोंसलों की, तो इस शिकारी पक्षी का घोंसला दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना घोंसला माना जाता है, क्योंकि ये साल दर साल एक ही घोंसले का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये अपने घोंसलों में अपने बच्चों को पालने में कामयाब हो जाते हैं, तो हर साल उसे बढ़ाते जाते हैं, जिसके कारण उस घोंसले का वजन और आकार बढ़ता जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लोरिडा के जंगलों में एक ईगल का ऐसा घोंसला मिला था जिसका वजन 2000 किलो से भी ज़्यादा था और उसकी लंबाई 10 फीट से भी ज़्यादा थी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इस ईगल के ऐसे बहुत से कारनामे हैं जो सच में काबिले तारीफ़ हैं, जिसे इस वीडियो में बता पाना मुमकिन नहीं है। और अगर आप उन कारनामों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने पहले से ही इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, और इस दौरान ये अपने अंडों के लिए एक सुरक्षित स्थान का चुनाव करती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये ईगल दूसरे पक्षियों की तरह हर साल नया घोंसला नहीं बनाते, बल्कि साल दर साल अपने पुराने घोंसलों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही इनके अंडे देने का समय आ जाता है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपने अंडे दे रही है। ये ईगल एक बार में 2 से 4 अंडे दे देती है,
जो प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे ही ये अपने सारे अंडे दे देती है, उसके बाद ये लगभग 40 दिनों तक उसे सेने का काम करती है, जो कि जलवायु और तापमान के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि कुछ मामलों में नर ईगल भी अंडों को सेने का काम करते हैं, और जब मादा घोंसलों पर बैठकर अंडों को सेने और उसकी सुरक्षा का काम करती है, तो उसके भोजन की पूरी जिम्मेदारी नर के कंधों पर होती है, जिसके लिए वो अपनी मादा साथी के लिए जंगलों से छोटे स्तनधारियों को पकड़कर उसके भोजन का इंतजाम करता है। तो जैसे ही 40 से 50 दिनों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद इनके अंडों में हलचल होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि कभी भी अंदर पल रहे बच्चे अंडे की परत को तोड़कर बाहर आ सकते हैं, जिसके बाद वो समय आ जाता है जब ये बच्चे अंडे की परत को तोड़कर बाहर निकलना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बाहर निकल रहे हैं। ये बच्चे छोटे, असहाय और नवजात होते हैं, और इस समय इनका वज़न 80 से 90 ग्राम के बीच होता है। तो जैसे ही ये अंडों से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद ये नवजात बच्चे भोजन के लिए पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होते हैं, जिसके बाद ये माता पिता अपने बच्चों की पूरी देखभाल और उनके भोजन का पूरा ख्याल रखते हैं, और इस तरह ये 10 से 12 हफ्तों तक अपने घोंसलों में अपने माता पिता के साथ बने रहते हैं, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान धीरे धीरे इनके शरीर के अंग विकसित होने लगते हैं, और ये इतने बड़े और काबिल हो जाते हैं कि ये अपने शिकार की तलाश खुद कर सकते हैं और अपने घोंसलों से दूर अकेले उड़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये एक और महीने तक अपने घोंसलों में वापस आते हैं और अपने माता पिता के आसपास रहते हैं, ताकि अपने शिकार और उड़ने की कला को और बेहतर सीख सके। इसके अलावा ये तब तक अपने माता पिता से खाना मांग सकते हैं जब तक इनके माता पिता इन्हें खिलाने के इच्छुक हों। यानी कुल मिलाकर बात ये है कि ये ईगल अपने जन्म और पूरी तरह से स्वतंत्र होने के बाद कम से कम 4 महीनों तक अपने माता पिता के साथ रहते हैं। तो जैसे ही 4 महीनों का समय पूरा हो जाता है, तो ये बच्चे अपना घोंसला छोड़ देते हैं। उसके बाद इन्हें अपने जीवन में जिंदा रहने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि 60-70% ईगल पहले ठंड के मौसम तक जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्रों की तलाश में निकल पड़ते हैं जहाँ इन्हें प्रचुर मात्रा में शिकार मिल सके। वैसे तो इस ईगल को ठंडे इलाकों की तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन्हें अपने आवास और दबदबे के लिए एक बड़े क्षेत्र की ज़रूरत होती है, जिसके लिए इन्हें दर बदर भटकना पड़ता है, और इसी चक्कर में ये मारे जाते हैं। और जो ईगल इन सारी मुसीबतों से बचकर अपना जीवन हासिल कर लेते हैं, तो वो अपने हंटिंग स्किल और काबिलियत के दम पर पूरे इलाकों में राज करते हैं, और इस तरह ये लगभग 2 से 3 सालों में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जो प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे ही ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद उनके सिर और गर्दन पर शानदार बाल विकसित हो जाते हैं, और इनकी नज़रें भी तेज और तीखी हो जाती है। साथ ही इनका पंख 7 फीट यानी 2 मीटर तक लंबा हो जाता है, और इनके पंजे नुकीले और ख़तरनाक मौत के पंजों में बदल जाते हैं, जिसके कारण ये आसमान के बेखौफ राजा बन जाते हैं। और जैसे ही इनके मिलन का मौसम आता है, तो ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके बाद एक बार फिर
यह जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो एक सामान्य ईगल का जीवन काल 30 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।